पुलिस ने दो गाड़ी के साथ दो युवक को 11 गैलन में 330 लीटर अवैध शराब बनाने वाला स्प्रिट जैसा के साथ गिरफ्तार किया। इटखोरी पुलिस ने चतरा पुलिस उपाधीक्षक केदारनाथ राम व थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सोमवार बीती देर रात वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ब्लू रंग के 11 गैलन में 330 लीटर अवैध शराब बनाने वाला स्प्रिट जैसा पदार्थ के साथ एक पिकअप वाहन जिसका नंबर JS02DB2637 वाइट बोलेरो वाहन जिसका नंबर JS02AB7135 को जब्त किया गया है। इन दोनों वाहनों में चार लोग शामिल थे जिसमें दो लोग भाग निकले। दो लोगों की गिरफ्तारी किया गया जिसे कांड संख्या 9322 उत्पाद अधिनियम के तहत पर मुकदमा दर्ज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बता दें कि गिरफ्तार लोगों में गिद्धौर थाना क्षेत्र के बरिसखी के माया डी निवासी सुरेश रविदास के 22 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार समेत एक नाबालिग को जेल भेजा गया है। इस मामले की जानकारी मुख्यालय DSP केदारनाथ राम ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दी है। इस मामले में DSP व थाना प्रभारी के अलावे SI बंटी यादव, गोराई पांडे समेत अन्य पुलिस कर्मियों का नाम शामिल है। बोला जाए सर। बोलिए। दिनांक 6/9/2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा का गुप्त सूचना मिली कि इटखोई थाना अंतर्गत चौपारण की तरफ से एक बोलेरो पिकअप वाहन और बोलेरो गाड़ी पर अवैध रूप से शराब बनाने वाला स्प्रिट भुरकुंडा जंगल की ओर जाने वाला है। इस सूचना पर गठित टीम का किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक मुख्यालय केदारनाथ राम, थाना प्रभारी निजन कुमार मिश्रा, पुलिस सब अधीक्षक बंटी यादव, सैनी पांडव गुरु, हवलदार जगदीश उराव, आर्ची कृष्णा तिवारी, आर्ची अभय कुमार, आर्ची अभ्यास कुमार, आर्ची गृहरक्षक बजरंग साव, दिगवार पिंटू कुमार सिंह, चालक आर्ची 988 प्रदीप कुमार मेहता के साथ छापमारी करने हेतु भुरकुंडा जंगल के पास पहुँचे। जैसे गाड़ी का वाहन का चेकिंग के दौरान में देखे कि जिस गाड़ी पर बोलेरो गाड़ी पर पुलिस को देखकर ही ये लोग भागने लगे, गाड़ी छोड़कर भागने लगे। गाड़ी का जांच क्रम में पाया कि उक्त गाड़ी में स्प्रिट लगा हुआ है जिसमें सामानों की सूची में ब्लू रंग का 11 गैलन प्रत्येक 30 लीटर कर कुल 330 लीटर अवैध शराब बनाने वाला स्प्रिट जैसा पदार्थ है। एक बोलेरो वाहन जैसा संख्या JH02AB7135, एक बोलेरो पिकअप वाहन जिसका संख्या JH02DB2637 था। इसमें दो अभियुक्त भाग गए हैं और दो अभियुक्त पकड़े गए हैं और पकड़ाए हुए अभियुक्त के साथ में थाना पर लाया गया है और विधिवत इन लोग दोनों के बीच में कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। तो सर अवैध शराब के लिए इन लोगों से कुछ बात करने में बताया कि यह जो है सो ये ब्रह्मपुर में इसका मैंने बनाया जाता है और वहीं से सेलिंग कर बाहर ले जाता है। तो पुलिस इसके आगे क्या कार्रवाई करेगी मैन्युफैक्चरर को लेकर? फिर जांच क्रम में अनुसंधान क्रम में फिर जांच में पता चलेगा कि वहां पर सही में बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। तो कहां से ला रहा था सर? ये चौपारण क्षेत्र से लाया जा रहा था।